IPL 2024 का ऑक्शन दोस्तों दिसंबर 19 यानी 19 तारीख को दिसंबर में जो है शेड्यूल किया गया है, और यह ऑक्शन जो है वो आपको दुबई में पहली बार टीम इंडिया का जो IPL का जो ऑक्शन है वो देश के बाहर जो है वो दुबई में होने जा रहा है। सो उससे पहले तो सारे टीमों को जो है ये कहा गया कि वो जो जो खिलाड़ियों को जो रिटर्न करना चाहती है, जिन जिन प्लेयर को रिलीज करना चाहती है, वो जो है लगभग जो है 24 या 26 नवंबर तक जो है आप उसको लिस्ट जारी कर दीजिए। सो इसी में दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस साल का जो ऑक्शन होने वाला वो मिनी ऑक्शन लेने वाला है, कि जाहिर सी बात है कि दोस्तों मिनी ऑक्शन होगा और सभी खिलाड़ियों को जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। आप लगभग के कुछ खिलाड़ियों को जो है आप रिलीज कर सकते हैं, बाकी सारे को रिटर्न करना पड़ेगा अपकमिंग मिनी ऑक्शन के लिए। सो दोस्तों जाहिर सी बात है कि सभी खिलाड़ियों को जाहिर सी बात है कि 100 करोड़ दिए जाती है, तो आप सभी को पता ही दोस्तों। तो अब लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन सी टीमें जो है कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटर्न कर रही है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर कौन कौन से टीम के खिलाड़ी जो है वो अपने टीम में रहेंगे, वापस लिए जाते हैं, या फिर कौन कौन से खिलाड़ियों को छोड़ा जाएगा, वो अलग वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन कौन से खिलाड़ी को रिटर्न कर रही है टीम अपने टीम में वापस। सो लेट्स टॉक अबाउट द पहले टीम के बारे में जान लेते हैं। सो दोस्तों उससे जानने से पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की ये वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको ऐसे ऐसे नाम बताऊंगा जिसको टीम आर रिटर्न करने वाली है। सो दोस्तों पहला नाम आता है आरसीबी की टीम की, हम लोग बात कर लेते हैं। सो आरसीबी की टीम से तरफ से दोस्तों आपको विराट कोहली फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो रिटर्न होंगे ही होंगे, तो कन्फर्म है दोस्तों। फिर आप डु प्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल, ये तीन खिलाड़ी जो है वो रिटर्न कन्फर्म होंगे दोस्तों आरसीबी की तरफ से। फिर मोहम्मद सिराज होंगे, फिर दोस्तों महिपाल रोंगरोर होंगे, फिर उसके बाद आपको देखेंगे सुहास प्रभु देसाई रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद दोस्तों वानिंडू हसरंगा रिटर्न होंगे, फिर जोस हेजलवुड रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद दोस्तों माइकल प्रेसपेल जो कि बिल जैक्स के रिप्लेसमेंट में आए थे वो भी रिटर्न किए जाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों केदार यादव जो कि डेविड विले के रिप्लेसमेंट में आए थे वो भी रिटर्न किए जाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों वैन पार्नेल जिसने पिछले साल आरसीबी की तरफ से बेस्ट बॉलिंग करके दिखाया था जो कि रिसेंट टॉपले की जगह पर आए थे, तो दोस्तों वो भी रिटर्न किए जाएंगे, फिर उसके बाद 12वें खिलाड़ी आकाशदीप रिटर्न किए जाएंगे, फिर उसके बाद 13वें खिलाड़ी सहवास अहमद रिटर्न किया जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों मनोज बांगड़े रिटर्न किए जाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों 15वां खिलाड़ी सोनू यादव रिटर्न किया जाएगा, फिर उसको 16वां खिलाड़ी सिद्धार्थ कौल रिटर्न किया जाएगा, हिमांशु शर्मा रिटर्न करे जाएंगे, फिर उसके बाद करण शर्मा रिटर्न करे जाएंगे, अविनाश सिंह रिटर्न किया जाएगा, रजन कुमार रिटर्न किए जाएंगे, उसके बाद दोस्तों वैसे विजय कुमार रिटर्न किए जाएंगे। तो ये 21 खिलाड़ी जो है आरसीबी की तरफ से रिटर्न किए जाएंगे दोस्तों इस सीजन। अब किन किन को दोस्तों आरसीबी छोड़ेगी वो अगले वीडियो में आपको बता दूँ। फिर इसके बाद सीएसके रिटर्न लिस्ट रिटर्नेशन लिस्ट की बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्टन कूल जो है वो रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद डेविन कॉनवे रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद ऋतुराज गायकवाड को रिटर्न किया जाएगा, दीपक चहर को रिटर्न किया जाएगा, मोइन अली को रिटर्न किया जाएगा, मिचेल सेंटर को रिटर्न किया जाएगा, अजिंक्य रेहाने जिसने पिछले साल काफी धमाल मचाया था दोस्तों 2010 के वर्ल्ड कप सॉरी IPL में वो रिटर्न किया जाएंगे, फिर उसको राजवर्धन हंगेरकर रिटर्न किया जाएगा, फिर अजय मंडल को रिटर्न किया जाएगा, शिवम दुबे को रिटर्न किया जाएगा, फिर उसको ट्वेन पेट्रोसियस को रिटर्न किया जाएगा, फिर उसको भगत वर्मा को रिटर्न किया जाएगा, फिर उसको निशांत सिंधु को रिटर्न किया जाएगा, फिर उसको दोस्तों प्रशांत सोलंकी को रिटर्न किया जाएगा, तुषार देशपांडे को रिटर्न किया जाएगा, आकाश सिंह रिप्लेसमेंट किसके लिए दोस्तों मुकेश चौधरी इनको रिटर्न किया जाएगा, मतीशा पतिराना, महेश तिक्सना, शुभ्रांशु सेनापति, तो इन तीन खिलाड़ियों को भी रिटर्न किया जाएगा। तो इन टोटल 20 खिलाड़ियों को रिटर्न करेगी कौन सीएसके टीम। सो लेट्स टॉक अबाउट दोस्तों डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की बात की जाए तो आरसीबी डीसी की तरफ से ऋषभ पंत आपको रिटर्न किए जाएंगे, कैप्टन कूल है दोस्तों, फिर इसको अक्षर पटेल, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, एंड्रिज नोकिया, रोमन पॉवल, रिरे लसो, यस दूल, प्रियम गर्ग, फिल साल, अभिषेक कोरल, सरफराज खान, ललित यादव, अमन खान, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, चेतन सकरिया, खलील अहमद, कुलदीप यादव, परवीन दुबे, विक्की ओस्टबल, लगभग 21 खिलाड़ियों को रिटर्न करेंगे कौन दिल्ली की टीम। सो अब बात करते हैं अगली टीम गुजरात टाइटंस जो कि पिछले 2023 की जो है फाइनल की जो है रनअप रही थी।
सो उसकी टीम की तरफ से दोस्तों हार्दिक पांड्या को रिटर्न किया जाएगा, जो कि खुद कैप्टन है। सुमन गिल रिटर्न होंगे, मोहम्मद शमी रिटर्न होंगे, डेविड मिलर रिटर्न होंगे, राहुल तेवतिया रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद दोस्तों अभिनव मनोहर रिटर्न होंगे, विजय शंकर रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद दोस्तों मैथ्यू बैट रिटर्न होंगे, वृद्धमान शाह रिटर्न होंगे, राशिद खान रिटर्न होंगे, अलजारी जोसफ रिटर्न होंगे, शिवम माभी रिटर्न होंगे, श्रीकर भरत रिटर्न होंगे, आर साई किशोर रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद बी साई सुदर्शन रिटर्न होंगे, फिर उसके बाद दोस्तों केन विलियमसन रिटर्न होंगे, नूर अहमद रिटर्न होंगे, जयंत यादव रिटर्न होंगे और मोहित शर्मा रिटर्न होंगे, दर्शन नागंडे रिटर्न होंगे, जोसवा रिटर्न होंगे। टोटल 21 खिलाड़ी रिटर्न करेंगे कौन, गुजरात टीम। फिर केकेआर टीम की बात की जाए तो वेंकटेश अय्यर श्रेयस अय्यर दोनों रिटर्न होंगे, नीतीश राणा, रिंकू सिंह, आर्य देसाई, जैसन रॉय, अनुकुल रॉय, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर टीम, सऊदी उमेश यादव, हर्षित राणा, कुलवंत खेजुरलिया, वैभव अलोड़ा, शिवास शर्मा, वरुण चक्रवर्ती, लिटन दास, रहमानुल्ला गुरबास और नागादेशन एन जगदीशन, ये 19 खिलाड़ियों को जो रिटर्न करेगी केकेआर टीम। अब बात करें दोस्तों एलएसजी टीम की, लखनऊ सुपर जायंट्स टीम की, जिसके कैप्टन है दोस्तों केएल राहुल। तो केएल राहुल को रिटर्न किया जाएगा, क्विंटन डीकॉक को रिटर्न किया जाएगा, निकोलस पूरन को रिटर्न किया जाएगा, दीपक खुदा को रिटर्न किया जाएगा, आयुष बदोनी हो गए, मनन बोहरा हो गए, कृणाल पांड्या हो गए, मार्कस स्टोनिस होंगे, काइल मायर्स होंगे, फिर उसके बाद दोस्तों कृष्णप्पा गौतम हो गए, करण शर्मा होंगे, प्रेरक मानकंड हो गए, युद्धवीर सिंह हो गए, मार्कवुड हो गए, मोहसिन खान हो गए, यश ठाकुर हो गए, नबीबुल हक हो गए, फिर रवि बिश्नोई हो गए, अमित मिश्रा हो गए, मयंक यादव हो गए, सुमिल सिंह हो गए। तो इतने सारे यानी 21 खिलाड़ियों को जो है लखनऊ सुपर जायंट्स को रिटर्न करेगी। फिर उसका दोस्तों मुंबई इंडियंस की बात की जाए तो मुंबई इंडियंस की तरफ से रोहित शर्मा कैप्टन है और उनको तो रिटर्न किया जाएगा, फिर उसको जसप्रीत बुमराह को रिटर्न किया जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों रोमियो सैफर्ट जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स से जो है ये टीम जो है ली, मतलब इस खिलाड़ी को लिया गया है और मुंबई इंडियंस ने इसको लिया है लखनऊ सुपर जायंट्स से, तो ये रिटर्न किए जाएंगे। फिर चौथे नंबर पीयूष चावला को रिटर्न किया जाएगा, शम्स बुलानी को रिटर्न किया जाएगा, सूर्य कुमार यादव को रिटर्न किया जाएगा, ईशान किशन को रिटर्न किया जाएगा, जैसन पहनड्रोव को रिटर्न किया जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों अर्जुन तेंदुलकर को रिटर्न किया जाएगा, अरशद खान को रिटर्न किया जाएगा, आकाश माधवल को रिटर्न किया जाएगा, कैमरन ग्रीन को रिटर्न किया जाएगा, टीम डेविड को रिटर्न किया जाएगा, तिलक वर्मा को रिटर्न किया जाएगा, उसके बाद दोस्तों रिले मेरेदीत को रिटर्न किया जाएगा जो कि जय रिचर्डसन की जगह पर आए हैं, उनको रिटर्न किया जाएगा, कुमार कार्तिक को रिटर्न किया जाएगा, ऋतिक शौकीन को रिटर्न किया जाएगा, फिर उसके बाद दोस्तों राघव गोयल को रिटर्न किया जाएगा, देवाल ब्रेविस को रिटर्न किया जाएगा, रमनदीप सिंह को रिटर्न किया जाएगा, नेहाल बदेरा को रिटर्न किया जाएगा, विष्णु विनोद को रिटर्न किया जाएगा। तो 22 खिलाड़ी जो है वो मुंबई इंडियंस रिटर्न करेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों पंजाब किंग्स की बात की जाए तो शिखर धवन इसके कैप्टन है और वो रिटर्न किए जाएंगे, प्रभाव सिमरन सिंह रिटर्न किए जाएंगे, जितेश शर्मा रिटर्न किए जाएंगे, शाहरुख खान रिटर्न किए जाएंगे, कजिस्को रवाड़ा रिटर्न किए जाएंगे, भनुष्का राजपक्सा रिटर्न किए जाएंगे, लियाम लिंस्टन रिटर्न किए जाएंगे, जॉनी ब्रेस्टो रिटर्न किए जाएंगे, पिछला साल ये नहीं खेले थे तो इस साल आपको खेलते हुए दिखाई देंगे पंजाब किंग्स की तरफ से। फिर उसके बाद शिवन सिंह रिटर्न किए जाएंगे, अधर्व तेड़े रिटर्न किए जाएंगे, सिकंदर रजा रिटर्न किए जाएंगे, ऋषि धवन रिटर्न किए जाएंगे, सेमकरण रिटर्न किए जाएंगे, मोहित राठी रिटर्न किए जाएंगे, अर्शदीप सिंह रिटर्न किए जाएंगे, फिर उसके बाद नेथन एलिस को रिटर्न किया जाएगा, हरप्रीत बरार, गुरनीर बरार जो कि राज बाबा के जगह पर आए हैं, विभत किरियप्पा, तो इतने खिलाड़ी को रिटर्न करी कौन, पंजाब किंग्स। ठीक है, तो 19 खिलाड़ी को लगभग रिटर्न करी। फिर उसके बाद दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से बात की जाए तो संजू सैमसन उनके कैप्टन है, तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से दोस्तों जो रिटर्न किया जाएंगे वो है जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पेडिगल, ध्रुव जोरेल, सिमरोन हिटमेयर, ट्रेंट बोल्ट, ओबेट मकाओ, रियान प्राक, कुलदीप यादव, कुणाल सिंह राठौड़, डोनोवन फेरेरिया, अब्दुल वसीद, रामचंद अश्विन, यदुवेंद्र चहल, आकाश वशिष्ठ, के एम आसिफ, संदीप शर्मा जो कि प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर आए हैं, कुलदीप सैन, नवदेव सैनी, एडम जाम्पा, तो टोटल 21 खिलाड़ी को रिटर्न करेगी कौन, राजस्थान रॉयल्स टीम। हैदराबाद की बात की जाए यानी एसआरएच की बात की जाए तो एडम मर्करम इसके कैप्टन हैं, राहुल त्रिपाठी, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा, समत व्यास, अब्दुल शमद, अनमोलप्रीत सिंह, विवरंत शर्मा, उमरान मलिक, क्लेन फिलिप्स, हेनरिच क्लासेन, उपेंद्र यादव, समवीर सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, फजल फारूकी, मार्को येंसन, कार्तिक त्यागी, बासिन सुंदर, मैक मार्कंडे और मैंक टागर।
तो टोटल 221 खड़ी को रिटर्न करेगी SRS टीम। सो ये मैंने रिटर्न लिस्ट बता दिया IPL 2024 के लिए सारी टीमों की। सो इतने खिलाड़ियों को दोस्तों रिटर्न किया जाएगा और लगभग सारी टीमें दोस्तों 2 या 3, 5, 6 खिलाड़ियों को जो है वो रिलीज कर रही है। उसके बाद दोस्तों अगले वीडियो में आपको बनाकर दिखा दूंगा कौन कौन सी टीम जो है किस किस खिलाड़ी को रिलीज कर रही है और काफी सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों को रिलीज कर रही है लाइक बेन स्टोक, आंद्रे रसल। तो ये सब खिलाड़ियों को जो है टीम जो है वो धोखा दे रही है। सो कितने सारे खिलाड़ियों को छोड़ा जा रहा है वो शायद हम लोग डिस्कशन करेंगे किसमें दोस्तों अगले वीडियो में। सो यही थे IPL 2024 के सभी टीमों के रिटर्न लिस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सारा बर्बाद हो गया, कहां बोल कहां रहती।